माफी वीर सावरकर की जयंती मनाने के लिए हटा दी माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में देश की पहली शिक्षिका का बड़ा अपमान। बीजेपी नेताओं को बहुजन नायिकाओं से क्या दिक्कत है? दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने करोड़ों बहुजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भारत की महानायिकाओं का अपमान किया गया। इतवार को महाराष्ट्र सदन में माफी वीर सावरकर की जयंती मनाई गई, लेकिन सावरकर जयंती मनाने के लिए महाराष्ट्र सदन के हॉल में सीडीओ की दोनों ओर रखी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को ही हटा दिया गया। सीडीओ की दोनों ओर जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं, यहीं पर क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां रखी हुई थी। इन पुरानी तस्वीरों को देखिए, भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का स्टैचू महाराष्ट्र सदन में आपको नजर आ रहा होगा। जो भी कोई महाराष्ट्र सदन जाता है वो भारत की उस महानायिका को देखकर गौरव से भर जाता है जिसने हमारी नस्लों का भविष्य सुधारने के लिए जाने कितनी ही तकलीफें झेली। जीने के दूसरी ओर सुशासन की मिसाल माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लगी हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार ने हमारी महानायिकाओं की मूर्तियां हटाकर उनका बड़ा अपमान कर दिया। बीजेपी सरकार ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच को तो जाहिर किया ही है, उसने ये भी साबित कर दिया कि कैसे वो बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास से मिटा देना चाहते हैं। बीजेपी की इस घटिया हरकत की कड़ी निंदा हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल ने इस बारे में ट्वीट कर जबरदस्त आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, सावरकर के कार्यक्रम के लिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की मूर्तियों को हटाने का कार्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम इस कार्यक्रम के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सदन से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की मूर्तियां हटा दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। गोबर के छींटे सहकर भी स्त्री शिक्षा के लिए बड़ा बलिदान देने वाली सावित्रीबाई और आत्मबल से आदर्श शासन की मिसाल पेश करने वाली अहिल्या देवी, उनकी मूर्तियों को ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, हम सावरकर के कार्यक्रम के विरोध में नहीं हैं, लेकिन महापुरुषों की मूर्तियों को हटाकर आपने जो घटिया मानसिकता दिखाई है उस पर हम हैरान हैं, जनता विरोध में है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के मुख्य हॉल से क्रांति ज्योति भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं हटाकर सावरकर की पूजा करना निंदनीय है। आपको सावरकर प्रिय हैं तो उनकी मूर्ति वहीं कहीं स्थापित कर लेते, किसी की मूर्ति को हटाने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र सरकार की सरकत ने उस मनुवादी मानसिकता को फिर से जाहिर कर दिया जो बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास के पन्नों में ही दफन कर देना चाहती है। लेकिन हमारे पुरखों का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसी ओछी हरकतों से उनके नाम पर कोई आंच नहीं आने वाली। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर हमारी रिपोर्ट से खुश हैं, आप चाहते हैं कि हम ऐसे रिपोर्ट्स करते रहें, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।